नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट के बनने के बाद दरभंगा से कनेक्टिविटी अब बागडोगरा से करीब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा से बागडोगरा करीब आएगा और सिलीगुड़ी जो है उसकी दूरी कम हो जाएगी। आज इसी की बात करेंगे कि कैसे दरभंगा से सिलीगुड़ी की दूरी कम होगी वाया अररिया। जी हाँ दोस्तों, अररिया होते हुए आप सिलीगुड़ी कैसे आसानी से पहुँच जाएंगे, इसको लेकर के एक बड़ी खुशखबरी ये है कि अररिया से जो गलगलिया फोर लेन का काम होने वाला है, फोर लेन हाईवे बनने वाला है, उसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। और बिहार के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद अब इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे ये फ़ायदा होगा कि दरभंगा एयरपोर्ट से बागडोगरा एयरपोर्ट और करीब आ जाएगा, जो लंबी दूरी है वो कम हो जाएगी। तो खबर क्या है, अररिया से गलगलिया तक सड़क को केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे टू लेन से फोर लेन किया जाएगा और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के समानांतर ये रोड होगा। ये 94 किलोमीटर का होगा, चार लेन का सड़क होगी, दो पैकेज में काम होगा, सड़कों का निर्माण होगा और इससे सीमांचल के इलाकों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसके बारे में बता दें कि आपको कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय इसे टू लेन किया गया था। और आपको बता दें कि इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और इसके लिए न्यूनतम निविदाकार का निर्धारण कर दिया गया है और 1,079 करोड़ की ये लागत से इस पथ का निर्माण दो पैकेज में किया जाएगा। तो मैप के जरिए समझिए कि अररिया से बहादुरगंज होते हुए ये गलगलिया तक जाएगा। तो पहला फेज़ होगा अररिया से बहादुरगंज जो 45 किलोमीटर का होगा, उसके बाद बहादुरगंज से गलगलिया 49 किलोमीटर का होगा। टोटल ये 94 किलोमीटर की फोर लेन होगा और इससे ये होगा कि आप सीधे अररिया पहुंच करके और आप सीधा गलगलिया पहुंच सकते हैं, यानी बागडोगरा सिलीगुड़ी तक पहुंच सकते हैं। तो पूर्वोत्तर का सफ़र आसान हो जाएगा आने वाले दिनों में। आप दार्जिलिंग अगर घूमना चाहते हैं तो दरभंगा से आप सीधे जो है वो सिलीगुड़ी पहुँच सकते हैं बहुत कम समय में। और ये फ़ायदा होगा इस पूरे इलाकों को इस हाईवे के बन जाने से। तो सिर्फ ये हाईवे नहीं बन रहा है बल्कि ये पूरे मिथिलांचल या उत्तर बिहार की दशो दिशा को बदल देगा। वो कैसे बदलेगा, देखिए दरभंगा से कनेक्टिविटी फारबिसगंज आसान है, अभी फोर लेन कनेक्टिविटी है, उसके अररिया तक भी आसान है, फोर लेन कनेक्टिविटी है। अब यहाँ से सीधा आप बगैर पूर्णिया गए, यहाँ से आप सीधा बागडोगरा पहुँच जाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको पूर्णिया होते हुए और किशन इस तरफ से जाना पड़ता है सिलीगुड़ी। तो ये लंबा रास्ता है जो कि आप अब वो लंबा रास्ता नहीं रहेगा। और आपको बता दें कि ये रास्ता इसलिए भी अहम है दोस्तों क्योंकि ये चाइना और बांग्लादेश नेपाल का ट्राई जंक्शन है, उससे कनेक्टिविटी के लिए ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम रूट है। इसलिए इस रास्ते को पर जो है केंद्र की नज़र है और जल्द से जल्द इसको बनाने की प्रक्रिया चल रही है। आपको ये भी बता दें कि रेल संपर्क भी इस मार्ग से किया जा रहा है, अररिया और गलगलिया को जोड़ने के लिए रेल मार्ग पर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, खास करके गलगलिया की तरफ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आगे बढ़ रहा है और इसके लिए इस बार 100 करोड़ जो है वो इस बार के बजट में दिया भी गया है। तो कुल मिला करके स्थिति यहाँ पर यह है कि अब सड़क कनेक्टिविटी भी हो रही है, तो आने वाले दिनों में दरभंगा से बागडोगरा और करीब होंगे। और अगर आप आगे गुवाहाटी तक जाना चाहते हैं, पूर्वोत्तर तक जाना चाहते हैं, तो ये सफ़र और 2-4 घंटे कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार स्पॉट भी, और हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।